नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। बहुत ही दुखद घटना है। सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई। वो अपने मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई आ रहे थे। पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, साथ में कोई और बैठा हुआ था। आगे ड्राइवर सीट पर डॉक्टर हैं, ये कोई वो चला रही थी, लेडीज है, गाड़ी, और उनके हस्बैंड गाड़ी फूटे ठोक लिए। हाई स्पीड से वो गाड़ी डिवाइडर से टकराई और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई, साइरस मिस्त्री की। तो आप सोच सकते हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके हैं वो, टाटा का, और 17% का शेयर है, 17% का शेयर है टाटा में। 2018 में उनके पास $10 बिलियन, करीब 80,000 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, और उसके बाद बढ़ा ही होगा। आज वो नहीं रहे, सड़क से आ रहे थे, मर्सिडीज कार में आ रहे थे, गाड़ी कोई और चला रही, एक गलती और सब कुछ खत्म सेकेंड में। मौका नहीं मिलता, दूसरा मौका नहीं मिलता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आप वहां से रिटर्न नहीं हो सकते। तो ये समझना जरूरी है, बिल्कुल सावधान होने की जरूरत है किसी के लिए भी, कोई आम इंसान है वो भी, कोई बड़ा आदमी है वो भी। पैसे की कमी तो नहीं थी इनके पास, लेकिन नहीं बच पाए, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। ड्राइवर भी नहीं चला रहा था, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हुआ और कैसे मारे गए। पुराने जमाने में कहा गया है, चाणक्य ने भी कहा है कि कभी भी ड्राइवर, डॉक्टर, रसोईया, नाई, जो आपका दोस्त है वो, और बहुत पैसे वाला आदमी है वो भी, इन सब से बैर नहीं रखना चाहिए। और ये सब भरोसे के आदमी होना चाहिए, डॉक्टर भी भरोसे के होने चाहिए, रसोईया भी भरोसे के होने चाहिए, नाई भी और ड्राइवर भी। इनमें से किसी से भी आपकी अनबन हुई तो कभी भी जान ले सकता है। वैद्य आपको पता चलेगा कब मार दिया, पता नहीं चला, बीमार पड़े उसमें गलत दवाई दे के मार सकता है, ड्राइवर एक्सीडेंट में मार सकता है, रसोईया आपको खाने में कुछ और मिलाएगा, धीरे 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 आप मर जाएंगे, और ना ही गला काट देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ। इस केस में वो अपने ड्राइवर के साथ नहीं थे, और उस लेडीज डॉक्टर जो चला रही थी वो इतने तेज से चला रही थी, ये पीछे बैठे हुए थे, शांत से बैठे हुए थे, और कहीं पर भी लापरवाही हुई, ओवर स्पीड, गाड़ी कंट्रोल से बाहर गया और उनकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट। तो एक पैसे वाला आदमी जिनके पास लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, वो रखा रह गया और मर गए रोड एक्सीडेंट में, जबकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, बिजनेस जेट में आ सकते थे, हेलीकॉप्टर में आ सकते थे, सब कुछ में, लेकिन कार में आ रहे थे, गाड़ी कोई और चला रहा है, उनका रेगुलर ड्राइवर भी नहीं चला रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सबक है इस देश में जितने भी लोग हैं। मैं नहीं चलने ना देता अपनी कार किसी को भी, जब मैं बैठा होता हूं तो मैं चलाऊंगा। मेरे जानने वाले लोग, मेरे दोस्त भी समझते हैं कि क्या कह रहा है। एक महिंद्रा जीप था, 1985 में लिया था, उसको 2,00,000 किलोमीटर चलाया तो मैं ही, जब भी जरूरत पड़ी मैं चलाया, बाकी लोग बैठे रहते थे, मैं किसी को चलाने नहीं देता था। एक दूसरी कार ली, उसको भी 2,00,000 किलोमीटर मैंने चलाया, और अभी जो चला रहा हूं मैं ही चला रहा हूं। किसी के बगल में बैठने से पहले 3 बार सोचते हैं, लंबी दूरी में, शहर में अगर चला रहे हैं जहां भीड़ भाड़ है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठा हूं सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाईवे पे नहीं, बहुत सोचना पड़ता है मुझे। एविएशन में हूं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, घर में पायलट भी है, डॉक्टर भी है, और बहुत सारे पायलटों के साथ फ्लाइंग किया है, मौका मिला है। इतने दिन 20, 32, 33 साल के नौकरी में बहुत सारे पायलट हमारे लाइफ में आए जिनके साथ हमने फ्लाइंग किया और काम किया। एयरक्राफ्ट बनाएंगे तो पायलट के साथ रहेंगे। बहुत सारे ऐसे पायलट मिले जो जिन पर मुझे कभी भरोसा नहीं था, मैं बहुत सोच समझ के उस एयरक्राफ्ट में बैठता था। पायलट है तो है, लाइसेंस मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और जहाज उड़ा लेंगे। उड़ाते भी है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन कई बार आप बाल बाल बचते हैं, ऐसा भी हुआ है। बहुत सारे पायलट हैं, नाम नहीं लूंगा, इसमें से कई लोग थे जो एक्सीडेंट में मारे भी गए, कई लोगों को मार भी दिए, जहाज गिर भी गया, मर भी गए, बहुत सारे पायलट, उनकी लापरवाही कहिए चाहे उनकी डेयरिंग कहिए, बैड वेदर है उसमें जहाज घुसा दिया, वो सोचे कि निकल जाएंगे, नहीं निकल पाए। जैसे उनको बिपिन रावत साहब को मार दिया पायलट ने, बैड वेदर में घुसाया, CFT हो गया और जाके पहाड़ से टकरा दिया।
तो भरोसे का होना चाहिए और ज्ञानी भी होना चाहिए, नॉलेज वाला होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को रख लीजिए, आप अपने विश्वासी समझ के रख लीजिए, उसको काम नहीं आता है, तब भी आपका एक्सीडेंट होगा, आपका पैसा काम नहीं आएंगे, मर जाएंगे आप। ये बहुत ही दुखद घटना है जो हुआ है आज। मैं देख रहा था, सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि बात करूं आप लोगों से कि क्या हुआ आज, एक्चुअल में क्या हुआ होगा। वो तो बैठे हुए शांत से अपने पीछे बैठे हुए गाड़ी चला रहे हैं भरोसे में कि भाई चलो ठीक है, अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में दे दिया। आप जब किसी कार में बैठे होते हैं, ड्राइवर कोई चला रहा होता, तो आपकी जिंदगी उसके हाथ में है। आप एयरक्राफ्ट में बैठे हुए तो पायलट के हाथ में आपकी जिंदगी है, कंट्रोल उसको करना है, आप उसी समय दे देते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, चाहे डॉक्टर से इलाज कराते हैं, तो एक कंसेंट फॉर्म भरता है और आप उसको अपनी जिंदगी को उसके हाथ में दे देते हैं कि भाई ठीक है, मेरी जिंदगी की जिम्मेवार मैं हूं, आप मेरा ऑपरेशन करिए, कुछ होगा तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, भरोसा करके आप दे देते हैं, अब उसके ऊपर है। और वो गलती करता है और आप मारे जाते हैं। मैं जितने भी उद्योगपति हैं उनको भी कहना चाहता हूं, किसी को रखने से पहले सोच समझ के रखें। जरूरी नहीं है कि आपका जो पायलट है, जो आपका इंजीनियर है, जो जिसको आपने रखा हुआ है, बहुत टैलेंटेड है, नहीं है, हो सकता है कोई टैलेंटेड ना हो, तो आपको एग्जामिन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि क्या चल रहा है, और आप सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहूंगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मिस्त्री परिवार को, ये बहुत बड़ी क्षति है। जय हिंद, जय भारत।